जी, हम तो हाथ जोड़ करके सभी के सामने हाथ जोड़ करके, देखिए जो है मन मुटाव होता है, पहले हो गया, आखिर बच्चों से ही गलती होती है, वो तो चलो कुछ नहीं, जैसा हमने उनके साथ किया ऐसा उन्होंने हमारे साथ भी कर दिया, तो अब तो भाईचारा बन गया है। फिलहाल हम उनसे भी रिक्वेस्ट ये करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी, कि भाई 100% वोट अकबर बॉबी कटारिया को जानी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7 और इस वक्त हम आज फरीदाबाद की श्याम कॉलोनी और यहाँ के स्कूल न्यू होली फैथ कन्वर्सन पब्लिक स्कूल में। आपको बता दें कि आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जो हमेशा सोशल मीडिया की सुर्खियों में छाए रहते हैं, जो हमेशा सोशल मीडिया के थ्रू लोगों की समस्या को सुनते हैं, उनका समाधान करते हैं और आज वो फरीदाबाद से लोकसभा चुनाव में मैदान में उतर चुके हैं। चलिए हम आपको बताते हैं वो शख्स कौन है। वो है बॉबी कटारिया जी। इनसे बात करते हैं हम लोकसभा चुनावों को लेकर। सर, आपका हुंकार 24/7 में स्वागत है। जी, शुक्रिया। सर, आपने निर्दलीय नामांकन भरा है और आपको शिवसेना से भी टिकट मिला था जो आपने ठुकरा दिया है, तो उसके बारे में बताइए। नहीं, ठुकरा देने वाली बात अच्छी नहीं लगती है, वो हमने कैंसिल करके हमने निर्दलीय भर दिया। कहीं ना कहीं कुछ भाई हमारे जुड़े हुए थे, कांग्रेस से भी जुड़े हुए हैं, कहीं बीजेपी से भी जुड़े हुए हमारे साथ, तो जेजेपी से भी है, तो उनकी थोड़ी सी मीटिंग की गई थी कि भाई तूने ऐसे गलत किया, जब तू समाज सेवा सबके साथ कर रहा है तो तुझे किसी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं मैंने उनकी बात मानी और मैंने निर्दलीय आज़ादी फॉर्म भरा है। जी सर, आप गुड़गांव से हैं और आपने फरीदाबाद को ही क्यों चुना? जी मैम, गुड़गांव मेरी जन्मभूमि है और फरीदाबाद मेरी कर्म भूमि है, तो यहाँ पे ज़्यादा मुझे समर्थन मिला, प्यार मिला, तो इंसान जहाँ ज़्यादा प्यार मिलता है वहीं सबसे ज़्यादा भागता है। हाँ सर, आपको क्या लगता है कि आपसे लोग किन मुद्दों को लेकर जुड़ेंगे जो आपको वोट करेंगे? जी मैम, मुद्दे तो काफ़ी हैं, वैसे तो रजिस्टर भर जाएगा दिक्कत बोलते बोलते। मैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ आपको, जैसे बीके हॉस्पिटल का हो गया, सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, पेशेंट्स को गंदगी फैली हुई रहती है, और शिक्षा का माध्यम देख लीजिए। मैं चाहता हूँ कि एक सरकारी स्कूल ऐसा खुले जिसमें कम से कम अच्छे स्तर पर खुले, और जितने भी सरकारी जितने भी बच्चे हैं ना, तो वो फ्री पढ़े और ऐसे स्तर पर जाएं जो बच्चे IAS IPS ऐसे स्टूडेंट्स निकले हमारे यहाँ से। सर, आप लोकसभा फरीदाबाद के प्रत्याशी हैं और फरीदाबाद में ना कोई अच्छा जो यूनिवर्सिटी है ना ही स्टेडियम है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, ये पहले भी मैंने बोला था, यूनिवर्सिटी भी खुलवाई जाएगी, स्टेडियम भी बनेगा, और जहाँ के फरीदाबाद के करीब से करीब 60-70% रोड आप देखो तो खस्ता हालत में, बहुत बुरी, लेकिन वो रोड उस समय बन जाता है जब नेता लोग उस सड़क का सर्वे करने जाते हैं, मतलब उस रोड से गुजरते हैं तभी वो रोड सही हो जाता है, लेकिन 60-70% गाँव में अभी भी रोड खस्ता हालत में है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर बिछा दिए गए हैं, वो भी सिर्फ मुद्दा बना करके। आगे चुनाव होना है तो कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट देंगे ना कि हाँ भाई अब की बार तारकोल डलवा देंगे, अब की बार पत्थर बिछवा दिया है, तो कहीं ना कहीं यही नेतागिरी होती है, 4.5 साल बाद ही AC से निकल कर वो काम करने चलते हैं। सर, देखा गया आपका और पुलिस प्रशासन में दोनों में बहुत बैर रहा है, तो पुलिस वालों की वोट आपको कैसे मिलेंगी? जी हम तो हाथ जोड़ करके सभी के सामने हाथ जोड़ करके, देखिए जो है मन मुटाव होता है, पहले हो गया, आखिर बच्चों से ही गलती होती है, वो तो चलो कुछ नहीं, जैसा हमने उनके साथ किया ऐसा उन्होंने हमारे साथ भी कर दिया, तो अब तो भाईचारा बन गया है। फिलहाल हम उनसे भी रिक्वेस्ट ये करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी, कि भाई 100% वोट अकबर बॉबी कटारिया को जानी चाहिए। सर, देखा गया फरीदाबाद में जो है महिला अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे पुलिस प्रशासन बहुत ही ढीला है, लटकाया हुआ है, तो आप महिलाओं के लिए क्या कदम उठाएंगे? जी मैम, ये भी बात आपने बहुत अच्छी कही है, हम महिलाओं के लिए सुरक्षित कुछ ना कुछ हेल्पलाइन नंबर्स निकालेंगे जी। ठीक है, 24/7 जो नंबर जैसे जो सरकार प्रोवाइड करवाती है 1091 ये वो फलाना निकताना, कोई ऐप काम नहीं करती, हम अपने खुद नंबर्स ओपन करवाएंगे महिलाओं के लिए, कोई भी सेफ्टी पर्पज़ जैसे भी होगा उनको हार्डली 10-15 मिनट्स के अंदर अवेलेबल होगा वहाँ पर बंदा जी। सर, फरीदाबाद में एक बड़कल झील जिसमें लोगों का रोज़गार था और
जो उसे बंद करा दी गई, जिससे लोगों कुछ लोगों का रोजगार खत्म हुआ है, तो रोजगार के लिए आप किस तरीके के अवसर प्रदान करेंगे? जी देखिए, कहीं ना कहीं हमारे जो युवा भाई हैं शिक्षित हैं और फिर भी उनको रोजगार नहीं मिलता, ये भी कम से कम 50% हमारे युवा भाई जो हैं वो बेरोजगार हैं आज की डेट में। और जो भाई गरीब परिवारों से हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं, देखो उनके लिए रोज़गार तो मिल सकता है लेकिन रोज़गार दिलाने वाला भी तो, लाइक बड़कल झील देख लीजिए, सूखी पड़ी है। क्यों? बाहर से कंट्री से आ जाते हैं लोग, वो देखेंगे यहाँ पे कम से कम बंदों को रोज़गार तो मिलेगा। सर, आप अपनी टक्कर किससे मानते हैं, क्योंकि चुनावी मैदान में बहुत बड़े बड़े नेता हैं, धुरंधर नेता हैं, तो आप किससे मानते हैं अपनी टक्कर? मैडम, टक्कर मैं अपने आप को ही दे सकता हूँ, बस मैं किसी की टक्कर में नहीं आना चाहता। सर, आप तो हमेशा सोशल मीडिया पे छाए हुए, फिर आपको राजनीति में आने का क्या लगा, जो आप राजनीति में आए? पावर में आने के बाद जैसे कहीं ना कहीं कुछ अच्छा हो सकती है समाज सेवा, तो गंदगी में तो उतरना ही पड़ेगा, जब लोगों के साथ देना है तो अच्छे से देंगे। सर, अगर आपकी जीत सुनिश्चित होती तो आप जनता के हित में सबसे पहला काम कौन सा करेंगे? जनता के हित में सबसे पहला काम हॉस्पिटल का होगा मेरी नज़र में, कि हॉस्पिटल को 24 घंटे के अंदर अंदर इतने अच्छे तरीके से करवाया जाए, सुविधाएं उपलब्ध हों, जिससे हमारा कोई भाई यहाँ की बजाय एम्स में ना भेजा जाए, यहाँ की बजाय और कोई सी स्टेट के हॉस्पिटल में ना भेजा जाए। सर, वोटिंग को लेकर आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से अपील यही रहेगी, एक ऐसी मुहिम चलाई जाए लाइक मैं भी बॉबी कटारिया बोल करके एक सपोर्ट में एक वीडियो बनाई जाए, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हाँ, आप हमारे साथ दिल से जुड़े हैं, और सिर्फ एक मौका अपने इस युवा भाई को देकर देखना, कहीं ना कहीं एक साल के अंदर, मैं 5 साल नहीं चाहता, मैं सिर्फ एक साल में वो कर दिखाऊंगा जो नेता लोग 25-30 साल कुर्सियों पर बैठ कर भी नहीं कर पाते हैं, सिर्फ एक मौका। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हुंकार 24/7 को अपना कीमती टाइम दिया। जी शुक्रिया मैम, धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि हमने बॉबी कटारिया से बात करी, जो यहाँ से फरीदाबाद से लोकसभा प्रत्याशी हैं, तो उनका यही कहना है कि वो युवाओं से सिर्फ एक मौका चाहते हैं, क्योंकि वो बदलाव चाहते हैं, और अगर जब तक बदलाव नहीं होगा तो देश में विकास कार्य नहीं होंगे और देश का आने वाला भविष्य वो नहीं सुधरेगा। फिलहाल आप बने रहे हुंकार 24/7 के साथ। मैं रेणु चौहान, धन्यवाद।